तो नेवर ट्रस्ट ट्रस्ट अ अ फैट शेफ, ऑलवेज हेल्दी गुड लुकिंग फिट शेफ इन योर लाइफ हमारी इंडियन पद्धति में हमेशा ये सिखाया गया है कि हमें खाना सिर्फ दो वक्त का खाना है जो भी चीज हमारी प्लेट पे है चाहे वो वेज हो चाहे वो नॉन वेज हो सब कुछ पहले लिविंग थी आज आपकी प्लेट में है और आज आपको जीवन देने के लिए आपके पेट में जा रही है डिनर के बाद लंच के बाद ये दो चुटकी अपने मुंह में डाल दिया और चबा के इसको पेट में जाने दिया मोर देन इनफ सारी पढ़ाईयां एक तरफ और ये डब्बा एक तरफ ओ। चेहरे पर नमस्कार आप सब लोग हैं इस मीटिंग की शाम आप सबका तहे दिल से स्वागत है गट हेल्थ आई वाज़ सर्चिंग फॉर दिस क्योंकि हमेशा गट फीलिंग सुना था गट हेल्थ उतना विचार में नहीं आया था तो फिर आई फाउंड कि वो बैक्टीरियाज जो एसोफेगस इंटेस्टाइन और स्टमक में रहते हैं उन्हें गट कहा जाता है और अगर गट हेल्थ की बात करें तो सिर्फ अमेरिका में सात मिलियन लोग हैं जो गट डिजीज से प्रभावित हैं और इंडिया में बात करें तो हर तीन में से एक आदमी को गट का कुछ ना कुछ इशू है एक बहुत कॉमन एडवर्टीज़मेंट जो हम टीवी पे देखते हैं आपको कब्ज की समस्या है क्या या गैस है तो इनोल ले ये सब जो है वो गट का ही परिणाम है जब गट पे थोड़ा और रिसर्च किया तो पता चला हमारा इम्यून सिस्टम हमारी मेंटल हेल्थ कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स गैस्ट्रो इंटेस्टेनल डिसऑर्डर्स ये सारा गट के ही देन है तो अब समस्या तो है हल आज सर ने निकाल दिया गुरमीत सर ने मैम को इनवाइट करके कि गट का समाधान नॉर्मल हमारे फूड से कैसे हो सकता है वो आज मैम हमें बताएंगी टू स्टार्ट द प्रोग्राम में बहुत ही प्यारी किताब है द सीड ऑफ जॉय उसका एक कोट बोलना चाहूंगी टुडे मेक योर एंटायर हाउस अ प्लेस ऑफ वर्शिप अ टेम्पल नॉट जस्ट अ कॉर्नर इन मेक योर लाइफ अ प्रेयर जस्ट रेड लाइट नॉट वरीज टू द वर्ल्ड आज सिर्फ एक कोना नहीं अपने पूरे घर को पूजा का स्थान बनाए मंदिर बनाए अपने जीवन को एक प्रार्थना बनाएं दुनिया में सब और रोशनी फैलाएं चिंताएं नहीं वर्ड्स आई वेलकम यू मैम हमने मैम को अपने पिछले प्रोग्राम में भी सुना था तो मैम के बारे में काफ़ी कुछ हम जानते हैं मैम का मोटो है जस्ट कीप मूविंग एंड ट्रेंडिंग योर पाथ नो मैटर वॉट अब जब मैम के बारे में लिखना था तो थोड़ा सा मेरा चार्ट अकाउंटेंट वाला दिमाग चला कि मैं सिर्फ कुकिंग वाला कैसे बोल सकती हूँ थोड़ा कुछ डिफरेंट चाहिए और आंकड़ों का मेरा अपना प्रेम है तो कुछ आंकड़ों में मैम के बारे में बताऊंगी ट्वेंटी आर्स के मार्जिन से इन्होंने पछाड़ा था पिछले गिनेस बुक रिकॉर्ड वाले को एट्टी सेवन आर्स और फोर्टी फाइव मिनट्स का मैराथन कुकिंग किया था टू फिफ्टी सैंडविचेस बनाए थे उसमें और चार सौ वड़ा पाव बनाए थे सो so, एक हज़ार मील से ज़्यादा का उन्होंने ट्रैवल किया है कुकिंग के लिए सोलह किलो वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड के जी फूड यूज़ किया था उन्होंने मैराथन के प्रेपरेशन में मैराथन की खुशी में उन्होंने सत्रह हज़ार पौधे लगाए थे और वो मैराथन में लगभग लगभग बीस हज़ार विजिटर्स थे और इन सब से बड़ी एक उपलब्धि है कि जैसे हमारे सात रंग सात सुर है वैसे ही सात अवार्ड्स मैडम के नाम पे है

मैंने पिछली बार भी बोला था कि मैं स्पीकर नहीं हूँ मैं शेफ़ हूँ मुझे खाना बनाना आता है बोलना बहुत कम लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में आ, ये बता पाऊँ कि वाट इज़ गट एंड वाट इज़ गट हेल्थ और एज अ शेफ़ आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे पाऊँ ताकि आपका गट जो है बिना आपको परेशान किए मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट्स ना करना पड़े और बस आपका गट आपके साथ रहे और हेल्दी रहे तो कोशिश यही रहेगी मेरी आपके साथ जुड़ने की और मैं कोशिश ये करूँगी कि बहुत मैं डॉक्टर नहीं हूँ इसलिए डॉक्टर प्रोफेशन को लेके उनके जो वर्ड्स एंड टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो मैं नहीं इस्तेमाल करूँगी क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल ले मैन शेफ़ हूँ घर की लेडी हूँ जो घर पे खाना बनाती है और अपने बच्चे और पति को पालती है और जैसे कि हम सभी हैं हम सभी यही चिंता करते हैं कि हम अपने बच्चों को और पति को ऐसा क्या खिलाएं अपने परिवार को ऐसा क्या खिलाएं कि उनकी हेल्थ ठीक रहे हमें कुछ न करना पड़े समझ रहे हैं आप लोग आप आप लोग समझ रहे होंगे कि हमें इतनी मेहनत न करनी पड़े इसलिए छोटी छोटी चीजों से हम ऐसा कुछ कर दें कि ये लोग स्वस्थ रहें सलामत रहें और हम अपना काम करते रहें और बढ़ते रहें तो दिस इज मी शेफ लता टंडन आप लोग जानते हैं मेरे बारे में आई एम अ अगेन वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एटी सेवन आवर्स फोर्टी फाइव मिनट्स का लॉन्गेस्ट कुकिंग मैराथन किया था एक पाँव पे नहीं दोनों पाँव पे खड़े होकर कंटिन्यूस कुकिंग मतलब okay. एक भी सेकेंड मेरा हाथ नहीं रुका था और मैंने कुकिंग की थी और लगभग बीस हज़ार से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाया था और साथ सत्रह हज़ार कुछ पेड़ अंडर कावेरी कॉलिंग हमने डोनेट uh, किए थे एंड दिस इज़ मी वेरी सिंपल बहुत पसंद करती हूँ मैं एक्सपीडिशन करना मेरी थार है और अब मेरा सीज़न आ गया मॉनसून सीज़न तो मैं इंदौर में नहीं इंदौर से बाहर ज़्यादा दिखूंगी आपको यू कैन सी मी ऑन माई यूट्यूब चैनल्स लेकिन हाँ एज़ अ शेफ़ आई लिव अ वेरी सिंपल लाइफ आपको लगता होगा ये शेफ़ है तो घर में अजीब uh, वरीब और नाना प्रकार के पकवान बनते होंगे और लोगों को बन खिलाते होंगे लेकिन हम शेफ़ भी वही हैं हमारे अंदर भी वही गट है और उसे वही हेल्दी रखना पड़ता है तो अगर रिफाइंड फूड प्रोसेस फूड बर्गर्स और पास्ता ही खाते रहेंगे तो हम खुद हेल्दी नहीं रहेंगे और अगर शेफ हेल्दी नहीं है तो वो किसी और को हेल्दी बना भी नहीं सकता तो नेवर ट्रस्ट अ फैट शेफ ऑलवेज ट्रस्ट अ हेल्दी गुड लुकिंग फिट शेफ इन योर लाइफ तो दिस इज मी मैं एक छोटे से आ, छोटे से एक्टिविटी से आ, इस सेशन को स्टार्ट करना चाहती हूँ बिकॉज दिस इज स्पेस लीडर क्लब हम तवलीन फाउंडेशन से जुड़े हैं आई एम वेरी मच थैंकफुल टू गुरमीत सर कि मुझे उन्होंने ये मौका दिया आप सभी बुद्धिजीवियों के साथ और इतने बड़े बड़े लोगों के साथ मैं आज इंट्रैक्ट कर रही हूँ मैं बहुत छोटी हूँ आपसे मेरा एक्सपीरियंस बहुत कम है आप लोगों से लेकिन जिस फील्ड में मेरा थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है और मैं आपके काम आ सकूँ तो दैट विल बी माई ऑनर एंड थैंक यू सर फॉर इन्वाइटिंग मी तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और एक छोटे से सेशन से, से स्टार्ट करते हैं कल्पेश आई नीड दैट म्यूजिक मैं आप लोगों को एक छोटा सा पाँच मिनट का सेशन दे रही हूँ जिसमें आपको आंखें बंद रखनी हैं और आपको एक ऐसी जगह पे बैठना है अपने घर पे या गोवा के बीच पे, आपको जहाँ जाना हो जा सकते हैं आंख बंद करके और उस जगह पे किसी मंदिर में भी बैठ सकते हैं बट मंदिर में हम खाना नहीं खा सकते तो डोंट गो टू मंदिर एक ऐसी जगह पर बैठिए जहाँ लाइट सी म्यूज़िक हो थोड़ी सी बर्ड चैटिंग कर रही हो कुछ कहीं मंत्र चल रहा हो और ऐसी जगह पे आप बैठे हैं और आपके सामने एक खूबसूरत सी थाली सजी हुई है जिसमें मैं बताऊंगी क्या लगा हुआ है तो लेट्स क्लोज योर आईज लेट्स बिगिन अ म्यूजिक, म्यूजिक स्टार्ट वन हम आंखें बंद करेंगे और एक बहुत ही काम कूल सी जगह पे जा रहे हैं हम जहाँ आपको जाने का मन है आपने बहुत ही ईजी हल्के फुल्के कपड़े पहने हैं और आपके सामने एक सुंदर सी थाली सजी हुई है जिसमें कुछ फल कटे हुए फल एप्पल बनाना ग्रेप्स और जो भी फल आपको पसंद है साथ में गर्मा गर्म चार इडलियाँ रखी हुई हैं सफेद चटनी नारियल की और गर्मा गर्म भपाता हुआ सांभर और एक छोटा सा ग्लास सफेद मट्ठे का इसको इमेजिन करके देखिए और बहुत शांति से इमेजिन करिए कि आप अपने मोबाइल जो हैं उसको साइलेंट मोड पे रख के कहीं फेंक दे रहे हैं और आप बहुत ही कामली बैठ के इस फूड को ले रहे हैं ग्रहण कर रहे हैं पहली कॉरी आपके मुंह में भले ही वो इडली है और बहुत सॉफ्ट है लेकिन उसको कई बार कई बार च्यू कर रहे हैं ताकि इसका च्यूइंग जो है मुंह में ही इतना हो जाए कि हमारे गट को जरूरत ही ना पड़े इसको पचाने की और ये एज इट इज हमें न्यूट्रिशन दे दे आराम से खाएं, शांति से खाएं च्यू करके खाएं और जैसा मन करे वैसे सीक्वेंस में खाएं क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रूट्स फूड प्रोबायोटिक्स आर इन दिस प्लेट होपफुली ये खाना आपको बहुत अच्छा लग रहा है आनंद आ रहा है स्वाद आ रहा है आपकी जबान महसूस कर पा रही है इच्यू हो रहा है और गले से कैसे उतर रहा है ये भी आप महसूस कर पा रहे हैं मठे का ग्लास उठाइए उसको पी के देखिए हल्का नमकीन जीरा काला नमक होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से इंजॉय किया होगा और अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं <laughs> ये था तो ये दो मिनट का नाश्ता होप आप लोगों का पेट भर गया होगा कुछ खाया होगा आपने तो दिस इज दिस इज फूड एक्चुअली फूड इज जस्ट नॉट कि हमें पेट भरना है और बस खाते चले जाना है और हमारे शरीर को जरूरत ना भी हो तो भी हमें इसे खिलाते चले जाना है ऐसा कुछ नहीं है हमारी इंडियन पद्धति में हमेशा ये सिखाया गया है कि हमें खाना सिर्फ दो वक्त का खाना है कई कहावतें बनी हैं दो वक्त का खाना दो वक्त का खाना दो वक्त का खाना हमारी योगिक कल्चर में चाहे हमारे ऋषि मुनि हुए चाहे आप स्पिरिचुअल <laughs> लोग ही क्यों ना हो आप लोग ये जानते हैं कि खाना इज जस्ट फ्यूल फॉर आवर बॉडी इट्स जस्ट नॉट लाइक कि बस खिलाते चले जाओ अपने गट को और उसको समय ही ना दो कि वो डाइजेस्ट कर पाए हमारे योगिक कल्चर में फास्टिंग का बहुत महत्व है शुरू से ही हम दो समय का खाना खाते हैं और कुछ ऐसा करते हैं कि हम रात का खाना जल्दी खा के और सुबह का जो नाश्ता है या ब्रंच है वो करीब बारह घंटे की डिफरेंस पे खाएं जो आज रिसर्च जो यूएस में रिसर्च हुई और उसका नाम दिया गया इंटरमीडेंट फास्टिंग जो हम ऑलरेडी हज़ारों हज़ारों सालों से पहले से ही जानते हैं वी इंडियंस नो एवरी थिंग बट ये है कि इतना ओवरले ऑफ वेस्टर्न कल्चर हो चुका है हमारे ऊपर कि हम अपने कल्चर को भूल चुके हैं लेकिन मैं इसमें सबसे ज्यादा बात करूंगी हमारे ईटिंग हैबिट्स की जो कि बहुत ही खूबसूरत ईटिंग हैबिट्स है आप अच्छे से जानते हैं कि हम जब भी खाना खाते हैं हम आसन जमीन पे बिछाते हैं अपने खाने को अपने से ऊंचा दर्जा देते हैं और खाने को उसको किसी पीढ़े पे या उस पर रख के चौकड़ी मार के खाते हैं ये ट्रेडिशन हमारे इंडिया में पहले से था खाना सामने आते ही पहले हम हाथ जोड़ते हैं हम ग्रेटिट्यूड प्रोवाइड करते हैं भगवान को याद करते हैं उस खाने को छूते हैं थैंक्स करते हैं और उसके बाद उसे ग्रहण करते हैं जो भी चीज़ हमारी प्लेट पे है चाहे वो वेज हो चाहे वो नॉन वेज हो सब कुछ पहले लिविंग थी आज आपकी प्लेट में है और आज आपको जीवन देने के लिए आपके पेट में जा रही है तो यू हैव टू शो सम ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स दैट प्लांट और कैबेज और एप्पल और इवन मीट दे डाइड फॉर यू टू गिव यू एनर्जी एंड बी द पार्ट ऑफ योर बॉडी नाउ सो दैट इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सबसे पहले मैं आपको मैंने आपको एक पेज uh, दिया है दैट इज वी आर स्टार्टिंग विथ वॉट इज गट गट फीलिंग सुना होगा गट हेल्थ के बारे में आज हम बात कर रहे हैं तो गट फीलिंग अगर आप बोलो कि हम हार्ट से सोचते हैं दिमाग से सोचते हैं तो गट कहा जाता है हमारा सेकेंड ब्रेन हम वहां से भी सोचते हैं हम वहां से क्या सोचते हैं आपको क्या लगता है हम वहां से क्या सोचते हैं अगर मैं आपके सामने एक प्लेट खाने की रखूं और आप अपनी आंखों से उसको देख रहे हो आप डिसाइड कर लोगे ना कि आपको उसे खाना है कि नहीं खाना है डिसाइड कर लोगे ना अगर मैं रॉ फिश रख दूँ, क्या आपका गट मानेगा उसको खाने का इफ कुी फूड रखा हुआ है इडली सांभर जैसे अभी आप लोगों ने फीलिंग्स में खाया है इसको आपका गट बोलेगा ना इसको खाने को तो दिस इज वॉट आई कॉल गट फीलिंग जो कि डिसाइड करवाती है आपसे कि इस सामने खा पड़े हुए खाने को हमें खाना है कि नहीं है दिस इज योर गट फीलिंग अबाउट फूड I am chef, so I am talking just about food, nothing else. So this is what gut is. Gut का मतलब ये है कि वो organs, वो organs जो कि सामने खाने को रखे हुए chewing से लेके digestion process, excretion process तक जो भी organs हमारे involved हुए हैं, they are called as gut. इसमें digestion से लेके digestion यंत्रों से लेके पैंक्रियाज गॉल ब्लैडर्स भी शामिल हैं अब न जाते हुए मेडिकल टर्म्स के उस पर गट पर जो भी हमारा खाना जाता है वो टूटता है न्यूट्रियस में और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और वो एनर्जी होती है दोनों तरीके की फ्रॉम फिजिकल टू मैंटल तो जो भी अंदर जा रहा है वो कहीं ना कहीं फ़िजिकली हमें स्ट्रोंग कर रहा है और हमारे मेंटल हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट कर रहा है तो हम जो भी खा रहे हैं दैट इज़ गोइंग इन टू our system physically and mentally so this is what i call gut second is sign of good gut health sign kya hai aapka gut healthy hai iska sign kya hai yahan iska sirf aur sirf ek hi sign hai ki aapka bowel movement proper hona chahiye just a layman language लैंग्वेज बता रही हूँ एक या दो बार हमें फ्रेश होना चाहिए प्रॉपर बॉबल मोमेंट होना चाहिए और वो बॉबल मोमेंट भी एकदम नॉर्मल होना चाहिए इट शुड नॉट बी डायरिया इट शुड नॉट बी कॉन्स्टिपेशन इट्स इट शुड नॉट बी इन्वॉल्व एनी गेस्ट्राइटिस प्रॉब्लम्स तो दैट इज सिंपल हाउ यू कैन सी योर गट हेल्दी दिस इज द ओनली साइन थर्ड इफ यू आर गोइंग टू गट ओरिएंटेड हेल्थ इश्यूज बहुत से गट ओरिएंटेड हेल्थ इश्यूज हैं कई लोगों को हैं इफ एनी आप बता सकते हैं एनी गट हेल्थ इशू अगर आप लोगों को हैं इफ़ यू फेस एनी एनी वन एसिडिटी एनीथिंग एल्स गैस्ट्रिक इश्यूज़ एसिडिटी यस पेट में दर्द होना लूज मोशंस कॉन्स्टिपेशन है ना इसके अलावा अगर मैं बोलूँ स्टमक ये सिर्फ आपने जो बताया दीज आर स्टमक अपसेट इश्यूज़ इसके अलावा अगर हमारा गट गठी नहीं है तो वी आर स्ट्रेस्ड हम बहुत जल्दी थक जाते हैं हमें काम करने का मन नहीं करता हमें नींद नहीं आती हमारे स्किन पे इचिंग्स इरिटेशंस, एक्नेस की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं एलर्जीज होती हैं मूड स्विंग्स होता है हमें भूख लगी है तो हम चिड़चिड़ -चिड़ करने लगते हैं ये होता है मेरे साथ तो बहुत होता है माई टीम नोज दैट माइग्रेन्स अगर गैस चढ़ती है मतलब गैस चढ़ रही है गैस चढ़ने का मतलब वो कहीं भी जा सकती है इट गोज इन टू योर हेड फर्स्ट सबसे पहले आपका सिर दर्द होना शुरू हो जाता है सो एनी वेयर यू आर हंग्री आपको पता नहीं चल रहा है कामों के बीच आपको हेड एक हो रहा है ईट सम थटलीस्ट है ग्लास ऑफ वाटर लूजिंग द इम्यूनिटी जैसे आपने बोला कि ये कई हद तक छोटी प्रॉब्लम्स से लेके बड़ी प्रॉब्लम्स तक जाती है ये कई हद तक हमारा जो गट अगर हेल्दी नहीं है तो हमारा हेल्थ इश्यू होगा हमारी इम्यूनिटी वीक होगी और हम बहुत जल्दी बीमार पड़ेंगे रिसर्चर्स ये तक कहती हैं कि अगर गट ठीक नहीं है वी कैन इवन फेस कैंसर्स डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कैंसर रिगार्डिंग द गट सो दिस इज वॉट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कि गट हेल्थ जो है वो कैसे ठीक की जाए और ये सारे इश्यूज जो है वो सिंपल वे में हमारे इंडियन पद्धति के तौर पे एज अ शेफ मैं बताऊंगी कि कैसे ठीक किया जा सकता है लेट्स गो अप टू द नेक्स्ट वन कि जैसा हम खाते हैं वैसा हम हो जाते हैं या जो भी हम खा रहे हैं हमारी पर्सनैलिटी हम खुद वैसे ही होते हैं जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन तो दिस इज वॉट अ गट का एक छोटा सा मंत्र यही है कि जो भी हम खा रहे हैं हम वैसे ही है दिस इज ऑल अ गट सेज तो हाउ टू इम्प्रूव योर गट हेल्थ लेट्स कम अप टू द नेक्स्ट थिंग मैं क्यों इसको स्किप कर रही हूं बिकॉज आई द सिंपलेस्ट ऑफ द ऑल यू कैन गो थ्रू समरी लेट्स गो टू द पॉइंट फर्स्ट हमारे पेट के अंदर पूरे शरीर में एक प्रॉपर इकोसिस्टम है ऑफ बैक्टीरियाज़ हमारे अंदर वो जीवाणु रहते हैं जो हमारे अंदर के जितने भी फंक्शंस हैं उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं वेरी सिंपल लैंग्वेज गुड बैक्टीरियाज़ बैड बैक्टीरियाज़ गुड बैक्टीरियाज़ होंगे आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा आप हेल्दी होंगे फ्रेश होंगे गुड होंगे अगर बैड बैक्टीरियाज़ की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो आप बीमार जल्दी पड़ेंगे और इवन बड़े इश्यूज़ फ्रॉम ब्लड प्रेशर हार्ट टू कैंसर आपको बढ़ते चले जाएंगे तो दिस इज वॉट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हाउ टू इम्प्रूव अवर गट हेल्थ मैं आपको यह बोलूंगी कि अगर सिंपल तरीका बताया जाए बहुत ही सिंपल तरीका जैसे कि हमने इमेजिन किया आप में से कितने लोग आई आई नो बिकॉज वी आर द ग्रुप जो अवेयर है आप लोगों के बीच ही कितने लोग ऐसे होंगे आर दे अवेयर हाउ टू ईट फूड इवन आर दे अवेयर क्या आपके बच्चे मेरा खुद का बेटा मैं खुद शेफ हूँ मैं सब कुछ जानती हूँ मुझे मेरे बेटे को बैठाना पड़ता है शांति से बैठाना पड़ता है टीवीज और मोबाइल्स ऑफ करनी पड़ती हैं डांटना पड़ता है कि शांति से खाना खाएंगे चौकड़ी मार के टेबल पे बैठ के खाना खाएंगे शू करेंगे फूड पानी बीच में नहीं पिएंगे आप लोगों के बीच में कितने ही ऐसे लोग होंगे आपके बच्चे आपके बड़े जो ऑलरेडी एक सिस्टम में बंधे हुए हैं जो नहीं मानते ये सब लेकिन क्या ये सब चीजें एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है Are they very tough to handle? क्या मैं आपको ये बोल रही हूँ योगा करो पच्चीस सूर्य नमस्कार करो नहीं हम अपने बच्चों को ये बोल सकते हैं ना कि हम तो सिर्फ आपसे ये मांग रहे हैं कि शांति से बैठ के जिस खाने को लेके हम इतनी मेहनत कर रहे हैं एवरी वन इन दिस रूम कमा रहा है मेहनत कर रहा है घर पे काम कर रहा है कितनी जगहों पे जा रहा है किस लिए जा रहा है पैसा कमाने के लिए और वो पैसा क्यों कमा रहे हैं क्या आलिशान बंगला चाहिए मतलब टीवी और एल और एल और, 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 और ये सब के लिए कर रहे हैं सबसे पहली प्रायोरिटी है एक कंफर्ट फूड का होना आपकी लाइफ में हम चैन से बैठ के खाना तो खा सके हम इसके लिए कमा रहे हैं आई एम जस्ट कनेक्ट कनेक्टिंग डॉट ए टू डॉट बी कि हम कमा रहे हैं शांति से बैठ के खाने के लिए और हम वो ही नहीं कर रहे हैं वी आर नॉट डूइंग दैट तो क्या हम नहीं कर सकते तो जस्ट जस्ट आई एम जस्ट सीइंग दैट कि वाई नॉट वी सी कि हम जो थाली की थाली हमारे सामने रखी है मोबाइल्स टीवी बंद करके बुक किताबें बंद करके अपने टेंशन हटा के क्यों ना आधा घंटा उस अन्नपूर्णा को दिया जाए जो कृपा रख रही है हम पे जो हमारे सामने आई है और हम उसे खाएं हम उन्हें ग्रहण करें वो देवी हैं वो आई हैं और हम उन्हें रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे और हम लगे पड़े हैं अपने मोबाइल में और वो चल जा रहा है और आपको पता है जब हम टीवी देख रहे हैं और मोबाइल देख रहे हैं हम कहीं ज़्यादा खा रहे होते हैं अपनी भूख से बिकॉज वी आर डिस्ट्रैक्टेड आप बिना टीवी के खाओगे आप दो रोटी खाओगे लेकिन अगर आप टीवी के साथ खाओगे मोबाइल्स के साथ खाओगे तो शायद आप चार रोटी खा लोगे कहाँ जाएगा वो खाना वो जाएगा आपकी तोन बढ़ाने की आप की ओबिसिटी बढ़ाने के लिए फिर बोलोगे यार मोटे हो गए खाना मोटा करता है तुम बनाती ही ऐसा हो कि मैं खा लेता हूं, तो मैं मोटा हो जाता हूं। तुम बनाते ही ऐसा हो कि मैं खा लेता हूं नॉट तो इट हम हमेशा खाने को कल्प्रिट मानते हैं लेकिन लिसन टू मी आई एम कल्प्रिट नहीं है खाने को दोष मत दीजिए अपने आप को देखिए कि हाउ यू आर ईटिंग दैट फूड डोंट से एनी थिंग टू फूड एप्सल्यूटली बिकॉज एनी थिंग यू आर ईटिंग आई एम नॉट सेइंग वेजिटेरियन इज वेरी गुड फ्रूट डाइट इज वेरी गुड जूस डाइट इज वेरी गुड नॉन वेज इज बैड नो इट्स नॉट कहीं से भी कुछ भी ऐसा नहीं है हमारे इंडियन कल्चर में शुरू से लेके आज तक ऐसे योगी भी हुए हैं जिन्होंने जंगल में जाके रॉ मीट खाया है और वो योगी थे

अग्नि बोलते हैं क्योंकि वो आग है और कहीं अग्नि विराजमान नहीं है ये अग्नि आपके जठर में विराजमान है मतलब आप पका हुआ खाना भी अंदर जाके पका रहे हो कुक कर रहे हो इट इज गेटिंग कुक्ड इन साइड योर बॉडी एंड ब्रेकिंग डाउन इन टू न्यूट्रिय एंड द वेस्ट न्यूट्रिय गिविंग यू फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड वेस्ट इज गोइंग आउट इन द फॉर्म ऑफ स्टूल एंड यूट सिंपल थिंग तो जठर अग्नि को हमें जला के ही रखना है उसको बुझाना नहीं है तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम खाना कैसे खाएं, किस समय पे खाएं, कैसे च्यू करें हम पानी पिए कब पिए ये सारे बहुत से सवाल हैं जो हमारे दिमाग में चलते हैं तो एज अ शेफ बहुत ही सिंपल तरीका है बहुत ही सिंपल तरीका है 50% फूड शुड बी डाइजेस्टेड इन योर माउथ इट दांत कहीं नहीं है और पेट के अंदर दांत भगवान ने दिए ही नहीं उसको सिर्फ एक पाइप दे दी है कि हम इतना चू कर लें कि ये फास्ट अंदर चला जाए और ये डाइजेस्ट हो जाए के बर्गर मैकडी कोक बच्चे ने ली कितना चबाता है वो वो खाता ही नहीं है वो बस दो बार च्यू करेगा और गप 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 चीज होती है बटर होता है आई डोंट नो व्हेन वो ब्रेड बनी हुई होती है महीनों पहले वो चिकन फ्रोजन किया गया होता है व्हाई नॉट टू ईट घर का खाना आप वही चीज घर पे खाओ वो नुकसान नहीं करेगी वही चीज आप और के और मैगडी से लेके खाओ वो नुकसान करेगी बिकॉज वो प्रोसेस्ड फूड है रिफाइंड फूड है डीप फ्राइड फूड है दैट इज नॉट गुड फॉर अवर गट हमारा गट इस चीज के लिए बना ही नहीं है हजारों सालों का इवोल्यूशन हो सकता है लेकिन ये इतना इवॉल्व भी नहीं हुआ है कि ये ब्रेड और मीट और फ्रोजन और रिफाइंड और प्रोसेस्ड पचा सके इतनी इजीली तो बी वेयर व्हाट यू आर ईटिंग तो सबसे पहले गट हेल्थ के लिए अगर मैं बोलूं तो यू हैव टू अवॉइड रिफाइंड फूड प्रोसेस्ड फूड डीप फ्राइड फूड डेफिनेटली वी हैव टू स्विच टू द प्लेसेज वेयर फ्रेश फूड इज बींग मेड गुड इन फ्रंट ऑफ यू एंड ऑब्वियसली सबसे अच्छा घर का खाना कुछ भी खाओ हम मैदे को बोलते हैं हम मैदे को कितना बुरा बोलते हैं मैदा मत खाओ सफेद आटा नमक जहर है शक्कर जहर है ये जहर तब बनते हैं जब आप इनको रिफाइंड वर्जन्स में खा रहे होते हो आप यही केक मैदे का केक शक्कर डाल के तेल डाल के बटर डाल के घर पे बनाओगे ये कहीं से नुकसान नहीं करेगा आपको लेकिन यही चीज जब आप बाजार से उठाते हो जो महीनों पहले बनी हुई होती है रिफाइंड तरीके से बनी हुई होती है अलग अलग प्रोसेस और प्रिजर्वेटिव डाल के बनी हुई होती है ये आपके गट को खराब करती है ये जाती है और खराब करती है एक बहुत बड़ी भ्रांति है हमारे अंदर पिकल्स की अचारें अचार नहीं खाना है बचपन से मेरी माँ ने मुझे अचार नहीं खाने दिया कि ये जाके तुम्हारे शरीर को दर्द करेगा लड़की हो खट्टा है दुनिया है एंड ऑल दैट बिकॉज दे नॉट नोइंग लेकिन अगर मैं आज आपके सामने बोलूं कि पिकल्स आर द बेस्ट मेडिसिन दे आर प्रोबायोटिक्स हैविंग इन टू अवर फूड दैट कीप्स अस हेल्दी अ रेगुलर टी स्पून ऑफ अ पिकल होम मेड आम के अचारों नींबू के अचारों आंवले के अचारों इवन मिर्च की अचारों लहसुन के अचारों गार्लिक की अचारों पानी से बने हुए जो हम गर्मियों में पानी वाली अचार खाते हैं जिसमें सरसों और सिर्फ सब्जियां डाल के खाते हैं दे आर मराकल्स दे आर मराकल्स कभी अगर आपको टेस्ट करना हो गर्मियों में वो पानी वाली अचार खाइए और कुछ और मत खाइए पूरे दिन कुछ और मत खाइए और सिर्फ वो कांजी वाली अचार खाइए अगर तो नेक्स्ट डे देखिए आपका गट क्या बोलता है आपको ही विल बी हैप्पी थैंक यू बोलेगा कि थैंक यू आज तुमने खाना नहीं खाया और कांजी खाई और पिकल खाई और तुमने खुश किया मुझे तो दिस इज वॉट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वेरी सिंपल ईटिंग गट को मैं एक बात बताऊं आपको हम इंडियंस कभी भी गट के बारे में नहीं सोचते थे इससे पहले दिस इज जस्ट अ वेस्टर्नाइज कल्चर उनको दवाइयां बेचनी है और वो गट हेल्थ ले आए हमारे सामने उनको होल ग्रेन्स पैक्ड फॉर्म में बेचने हैं ऑर्गेनिक फॉर्म में बेचने हैं दस गुना रेट हाई करके बेचना है वही ओट्स जो हम रेगुलर खाते थे बार्ली जो हम रेगुलर खाते थे राय जो हम रेगुलर खाते थे वो पैकेट बन करके हमें आज बेच रहे हैं गट हेल्थ के उसपे वॉट वी आर मेकिंग फूल ऑफ आर सेल्स हम सब जानते हैं लेकिन जब तक वो अमेरिका नहीं बोलेगा ना इंटरमीटेंट करो राई खाओ मिलेट खाओ प्रोबायोटिक पियो तब तक हम मानेंगे ही नहीं वाई नॉट हम खुद इतने बुद्धिजीवी है वी आर गुरुज इंडिया इज गुरु ऑफ ऑल और हम दूसरे का मान रहे हैं नो प्लीज प्लीज नो देश हमारा गुरु है और गुरु ही बहनने रहने दीजिए अमेरिकन इंफ्लुएंस में आके अपने आप को छोटा मत करिए आई जस्ट बिलीव दिस बाकी सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि बहुत ईजी हैं गट हेल्थ को लेके इवन जब आप अपने पेट से खेलते हो ना डॉग्स होंगे आपके पास कैट्स होंगे आपके पास जब आप उनसे खेलते हो तब ऐसी खुशी आपके अंदर होती है दैट इंप्रूव्स योर गट हेल्थ कैन यू बिलीव दिस इट्स सो इजी अपने डॉग के साथ ही खेलना एंड यू आर इंप्रूविंग योर गट हेल्थ बिना कुछ खाए देखो हमने मोटे भी नहीं हुए कुछ भी नहीं दस मिनट का मेडिटेशन खाने के बाद दस मिनट की वॉक अपने प्यारे के साथ हो तो और भी ज़्यादा एक दोस्त उठा लो कोई सहेली उठा लो पति को पता नहीं <laughs> वो सिर्फ बिजनेस करते हैं तो पता नहीं इंटरेस्टिंग होगा कि नहीं वॉक बट मुझे लगता है अपने बच्चे को उठा लो अपने पेट को उठा लो वॉक कर लो दिस इज गट हेल्थ दिस इज रियली सिंपल काय को इतना सोचना कि गट हेल्थ के लिए हमें अब क्या करना पड़ेगा ये शेफ आई अब क्या बताएगी आज से क्या दिमाग में होगा कि गट हेल्थ के लिए हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा कुछ नहीं करना पड़ेगा कुछ नहीं करना पड़ेगा जस्ट अ टेन मिनट मेडिटेशन अ टेन मिनट वॉक प्लेइंग विद योर पेट हैविंग अ थोड़ा महंगा पड़ेगा बट पार्लर जाके एक अमेजिंग मसाज ठीक है और लाफिंग uh, क्लब्स थोड़ा सा हंस लेते यू नो कॉमेडी फुल ऑफ मतलब यूट्यूब तो भरी हुई है अभी जसप्रीत आए थे मैं नहीं जा पाई स्टूपिड मी लेकिन हंसना बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है डेफिनेटली डोंट गो फॉर एनी अल्कोहल और एनी नशे की चीजें दैट विल डेफिनेटली डाउन योर गट हेल्थ ऑब्वियसली इस सारी चीजों से या पीना बुरा नहीं है पीना बुरा नहीं है बट रोज पीना दैट विल मेक यू डाउन दैट विल मेक योर गट अनहेल्दी ठीक है तो लेट्स मूव फॉरवर्ड इट्स वेरी इजी एक छोटी सी योगा प्रैक्टिस है मैं नहीं बोलूंगी कि um, uh, बैठ के ये प्रैक्टिस वो प्रैक्टिस करो नो देर इज अ सिंपल योगा प्रैक्टिस जो मैंने इसमें लिखी हुई है दैट इज वज्रासन में बैठना लाइक थ्री टू फाइव मिनट्स आफ्टर फूड दैट्स इट So, मुझे लगता है अब गट हेल्थ थोड़ा सा ईजी हो गया आपने को सो so, अब मैं आती हूं मेन टॉपिक पे जो कि गुरमीत सर ने मुझे दिया है दैट इज फूड्स फॉर गट हेल्थ हम क्या खाएं एक बेसिक रूटीन सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हम जो भी कर रहे होते हैं वो सब अंदर जा रहा होता है इवन फीलिंग्स ऑफ आवर एटमोस्फियर दैट इज दैट इज होपिंग वो हमारे गट को इफेक्ट कर रही है जैसे मेडिटेशन कर रहा है हवाएं कर रही हैं सब कुछ कर रहा है दैट इज कमिंग इन टू अवर गट लेकिन हम खाएं क्या मैंने बहुत छोटी सी एक समरी बनाई है आप सभी के लिए आप घर ये पेपर ले जा सकते हो ये बहुत ही सिंपल है हैविंग फाइबरस फूड हाई ऑन फाइबर सभी जानते हैं फाइबरस फूड क्या होता है क्यों खाते हैं हम फाइबरस फूड इज गुड फॉर डाइजेशन और ये आपको ज़्यादा देर तक फुल रखता है आप बहुत जल्दी जल्दी आपको फूड क्रेविंग्स ना हो और मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अभी नाश्ता किया और दो घंटे बाद भूख लग गई एक गलती कर दी है भगवान ने एक गलती है भगवान की हमारे सिस्टम के अंदर वैसे भगवान ने परफेक्ट बनाया है हमें वी आर दी परफेक्ट क्रिएशन ऑफ गॉड लेकिन एक गलती है जो खाने का सेंस है और जो पीने का सेंस है ना वो सेम कर दिया है भगवान ने लाइन जोड़ दी है बिल्कुल तो हमें कभी कभी लगता है हमें भूख लग रही है बट एक्चुअली हमारे शरीर को प्यास लग रही होती है दो घंटे बाद कुछ खाने का मन है बर्गर तो गया लेकिन अब पास्ता खाने का मन है अब पिज्ज़ा खाने का मानना नहीं अगर हमें लगता है कि हमें भूख लग रही है लेट्स हैव अ ग्लास ऑफ वाटर सिट डाउन कूल काम एंड हैव अ ग्लास ऑफ वाटर स्टील के ग्लास से पियोगे तो ज्यादा मजा आएगा अगर थोड़ा ल्यूब वम कर लोगे और थोड़ी सी हनी और लेमन डाल लोगे तो गट के लिए अच्छा हो जाएगा तो दिस इज वॉट आई एम आई वॉन्ट टू टेल यू दैट गट हेल्थ हैविंग गट हेल्थ इज रियली ईजी टू अचीव वेरी ईजी टू अचीव भूख लगे क्रेविंग हो हैव वॉटर हैव हनी इन टू योर वॉटर लेमन इन टू योर वॉटर अगर पानी नहीं पिया जा रहा है तो हैव ग्रीन टी इट्स वेरी ईजी वेरी इजी। नहीं कुछ मिल रहा है तो चुटकी पर सिमन डाल दिया you know? चुटकी बर सिनेमन डाल दिया कुछ नहीं हो रहा है तो हल्की सी हींग डाल दी यू नो, पानी मत पियो ना पानी जा ही रहा है बट गुड फॉर गट हेल्थ लेट्स थोड़ा सा जीरा पाउडर और अगर मैं होती तो मैं तो भाई लेमनेड बना लेती शहद नींबू जीरा काला नमक हींग मिंट और गट 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 तो so दैट्स yeah. मैं तो ऐसे पीती भाई हाँ थोड़ा सा गरम कम पीती थोड़ी सी आइस क्यूब्स डाल देती बट दैट इज ऑल्सो गिविंग यू अ गुड गट हेल्थ डोंट गो कि ठंडा है तो नुकसान कर रहा है नहीं इट्स नॉट लाइक दैट आपको वो पीना कब है दैट इज डिपेंडेंट ऑन दैट ड्रिंक अब जठर अग्नि जल रही है खाने को पचा रही है और आपने लेमनेट पी लिया तो वो करेगा नुकसान बट अगर आपने यही लेमिनिट एक घंटे बाद पिया तो ये करेगा फायदा तो दिस इज वॉट आई एम जस्ट होपिंग की यू आर गेटिंग द पॉइंट कि वेन एंड हाउ एंड वॉट फॉर गुड गट हेल्थ दैट्स इट सो मैंने बहुत सारी चीजें रखी है जैसे होल ग्रेन्स हैं होल ग्रेन्स में व्हीट बाली प्लीज डोंट गो फॉर दैट नॉलेज जो अधूरा है अधूरे ज्ञान पे मत जाइए हमें बोला जाता है कि गेहूँ छोड़ना है। क्यों छोड़ना है वी आर इंडियंस और हम इंडिया में जो भी हमारे चारों ओर क्रॉप्स उगाते हैं या उगते हैं नेचुरली वो हमारे लिए अच्छे हैं अमेरिका में अगर बार्ली उगता है तो अमेरिकन्स के लिए अच्छा है चाइना में अगर पैडी उगता है तो चाइनीज के लिए अच्छा है हमारे लिए अगर व्हीट उगता है तो वो हमारे लिए अच्छा है ये जो अधूरा ज्ञान है या जो बाहर के जो ज्ञान आ रहे हैं हमारे ऊपर कि हम वीट छोड़ें ये खाएं और वो खाएं नो इट्स नॉट लाइक दैट हम इंदौर में रहते हैं इंदौर के चारों ओर जो भी फल सब्जियां अनाज उगता है हम एमपी बोल लेते हैं चलिए इट्स नॉट इंदौर इट्स एमपी एमपी सेंटर ऑफ इंडिया हम सेंट्रल इंडिया में जो भी उगाते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है क्योंकि हम यहीं के रहवासी हैं हमें यही रहना है इसी एटमॉस्फेयर में रहना है और ये एटमॉस्फेयर बना है हमारे लिए वो चीजें पचाने के लिए अब आप अमेरिका चले जाओ और वहां बोलो कि यही खाना है तो शायद ये सूट ना करे आपको बट अगर हम यहां हैं हमारे चारों ओर जो भी चीजें उग रही हैं हमें वही खानी है डोंट गो फॉर द इंटरनेट नॉलेज डोंट गो फॉर दैट आई मस्ट से दिस अपने आप को कंफ्यूज मत करो जो हो जो है वही रखो जस्ट डोंट गूगल एवरीथिंग जस्ट डोंट गूगल एवरीथिंग आज गठहल जाके आप, आप हो सकता है गूगल करो या कई लोग गूगल करके आए भी हों तो आई डोंट नो क्या पढ़ा होगा आपने माइक्रो बायोम्स और हेल्दी बायोम्स और डेड बायोम्स और डिफरेंट टाइप ऑफ बायोम्स क्यों पढ़े हैं हम ये सब वाई वी नीड ऑल दिस हम जानते हैं अपने आप को कि हम क्या खा रहे हैं और क्या अच्छा है और क्या बुरा है वाई वी आर गोइंग इन टू दिस काम कम है हमारे पास कि ये भी पढ़े हैं आप बैठे तो दिस इज वॉट आई एम सेंग कीप योर सेल्फ सिंपल डोंट गो फॉर द इंटरनेट नॉलेज यू नो वॉट टू ईट योर गट नो वॉट टू ईट एंड वेन टू ईट जस्ट बी अबिट कॉन्शियस दैट्स एट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एवरीबडी नोज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के लिए एज अ शेफ मैं आपको ये बोलना चाहूँगी हम स्पनेच खाते हैं चाहे मेथी खाते हैं चाहे हमारे इंदौर में डिफरेंट साग आते हैं बीन्स आते हैं मैंने बहुत से बीन्स यहाँ पर नए देखे हैं तो ये सारी चीजें जब आप खाएं तो इनको मार के ना खाएं कम से कम उनको इतना जिंदा रखें कि उनका क्रंच मेंटेन रहे लेट्स हैव स्पिनच के पत्ते हल्का सा ब्लांच ठंडे पानी में डाल के और उसको सैलिड के साथ खा लिया जो हम खाते हैं ना सरसों का साग और मक्के की रोटी तो सरसों का साग हम इतना पका चुके होते हैं इतना पका चुके होते हैं कि अगर आप सोचो कि उसमें से आपको कुछ न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं तो बिल्कुल भूल जाइए उससे कुछ नहीं मिल रहा आपको उससे so, कुछ भी नहीं मिल रहा वो हमने मार दिया मेथी साग हमने पका पका के पका पका के मेथी की कड़वाहट खत्म करके हमने मार दिया ठीक है तो ग्रीन्स शुड बी ईटन एज नैचुरल एज कैन मारो मत उसको डोंट एड ऑन चीजें नहीं ऐड करनी है उसमें मेथी कड़वी लग रही है दवाई की तरह दस पत्ती तोड़ो और खाली पेट चबा के खा लो मत खाओ मी मेथी की सब्जी बट दस पत्ती मेथी की उठा के सुबह सुबह खा लो ना इट्स मोर देन इनफ आपका मेथी का कोटा पूरा हुआ मत खाओ नेक्स्ट इज लो शुगर फ्रूट्स लो शुगर फ्रूट्स जैसे बिल्कुल आम का सीजन चल रहा है बहुत ही फेवरेट है मेरा भी आम बट दैट्स हाई ऑन शुगर बट दैट इज अचुरल शुगर हैव इट बट हैव इट इन मॉडरेट कंडीशन सबसे अच्छा फ्रूट अगर मैं बोलूंगी अपने गट के लिए है तो दैट इज अमरूद गुआवाट इज द बेस्ट फ्रूड यू कैन हैं, नहीं मिलते हैं बेरीज मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया ज्यादा महंगा नहीं जाना कि हम बोले कि अव खाडोज खा लो प्लीज ये जेब पे बहुत भारी पड़ते हैं तो गुआवा खा लो अमरूद खा लो अपने पेड़ से तोड़ के खा लो बीज मत निकालना चबा के खा लो क्यों महंगा करना अपने पॉकेट पर क्यों भारी पड़ना अपना गट तो लेट्स हैव सो नट्स एंड सीड्स में आई विल प्रेफर वॉलट्स एंड के खाएं बहुत ही अच्छा जस्ट अ प्रिस्क्रिप्शन इज दैट अगर आप वॉलट्स एंड खा रहे हो कुछ दाने मेथी के डाल दें साथ ही में और चबा के उनके साथ ही खा लें तो दैट विल गिव यू अ अनेक्स बेनिफिट अगर मैं ये आठ दस चीजें आपको देख रही हूं दिखा रही हूं ये सारी चीजें

मिल्क प्रोडक्ट्स ना खाए दिस इज द रेरेस्ट ऑफ द रेरेस्ट थिंग जो हमें कॉम्बिनेशन नहीं करनी चाहिए ठीक है नट्स एंड सीड्स हो गए लिग्यूम्स लेंटिल्स सीड्स चिक पीस हमस एनी बडी हर्ड ऑफ हमस 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 हालांकि इंडियन नहीं है बट दैट इज वेरी ईजी टू बी मेड चना भिगो दिया एक सीटी मार दी और ग्राइंड कर लिया विद गार्लिक लेमन ताहिना और उसको नॉर्मल रोटी के साथ डोंट ईट विथ पीटा ब्रेड दैट इज मैदा अगर आप डरते हो मैदे से तो ईट विथ रोटी और इसी रोटी में हमस डाल के कुछ फ्रूट डाल के थोड़ी सी पिकल्स डाल के और हमने रोल करके खा लिया तो दैट्स एन अमेजिंग ब्रेकफेस्ट तो दिस इज वॉट आई एम टेलिंग जो भी चीजें आप खाएं लेट्स डू लाइक दैट खा तो हम चले रहे हैं छोले तो खा रहे पंजाबी छोले भटूरों के साथ तो वो क्या दे रहे हैं आपको कभी कभी खा लो बट दैट अमृत है काले चने अमृत है ओट्स अमृत है लेकिन हम उन्हें मार के खा रहे हैं उसको खराब करके खा रहे हैं तो प्रोबायोटिक्स हो गए चाहे ये चने हो गए हैव लाइक दैट उस तरह से खाएं ताकि आपको फायदा भी करेंटेड बिल्कुल खा सकते हैं रोस्टेड चबा कैन उसके साथ गुड़ कर दे तो गुड़ के साथ आप गुड़ के साथ आप थोड़ी सी सौ ऐड कर दें दैट विल गिव यू द एंजाइम्स पार्ट आपको पचाने में साथ देगा और आपको आपके गट हेल्थ के लिए इट विल एक्ट एज 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 अ अ मेडिसिन 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 नाउ यू शुड बी टेकिंग फूड फूड नॉट योर सो सो दिस इज इट ऑयल्स में कोकोनट ऑयल एंड एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल इज वेरी गुड फॉर योर गट एक छोटा सा टिप देती हूँ एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल खरीदे थोड़ा महंगा पड़ता है लेकिन खरीद लें कोई बात नहीं बहुत ज्यादा नहीं लगता टमाटर काटे चार टुकड़ों में थोड़ा सा नमक थोड़ी सी काली मिर्च और एक्स्ट्रा वजन ऑलिव ऑयल डालें और ये सैलड जब आप खाएंगे कुछ नहीं डालना कुछ नहीं और आप अपनी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव होते हुए देखेंगे इफ एनी बडी हैव द कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम एनी बडी हैव हार्ट इश्यूज ईट दिस सैलड अर्ली इन द मॉर्निंग फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एक्स्ट्रा वजन ऑलिव ऑयल टोमेटो सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर दैट्स इट तो दिस विल गिव यू अ बेस्ट ऑफ योर हेल्थ गुड फॉर गैट सीविन फॉर्मेंटेड फूड अब फॉर्मेंटेड फूड में आप लोगों ने अगर कोई गया होगा यूट्यूब पे तो खम्बुचा और सॉक्रेट्स और पता नहीं क्या क्या चैंपे और ये सारी चीजें प्लीज मत बनाइएगा घर में प्लीज प्लीज मत बनाइएगा घर में और ना ही खाइएगा यू इंडियंस आर नॉट गुड फॉर दैट शायद न पचा पाओ शायद कुछ और इशूज शुरू हो जाए मत करना दिस इज जस्ट फॉर जिनके लिए वो है उनके लिए है हम इंडियंस अगर खाना चाहें तो लेट्स हैव अ बाउल ऑफ कर्ड क्रीम हटा के क्रीम हटा के ठीक है मठा बना लें मठा भी ग्राइंड करने के बाद जो मक्खन होता है उसको भी हटा दे दैट इज मच बेटर फॉर योर गट ठीक है और अगर मठे में हमने मिंट डाल दी ब्लैक पेपर डाल दिया तो दैट विल बी अमृत ठीक है तीसरी चीज है कांजी कांजी आप लोगों को बनाते हुए बनता है नहीं तो मैं यूट्यूब पे एक वीडियो डाल दूंगी बहुत जल्दी तो हाफ अ ग्लास रेगुलर विथ फूड इज अमेजिंग बटर मिल्क विथ फूड इज अमेजिंग लेमनेट विथ फूड इज अमेजिंग अब आप बोलोगे पानी नहीं लेकिन ये तीनों चीज़ें बिल्कुल ऐसा है पानी इज नॉट गुड बट ये तीनों चीज़ें अगर आप लंच टेबल के साथ आधा ग्लास रख के पिएंगे तो दैट विल इंप्रूव योर डाइजेशन एंड गिव यू अ गुड गट हेल्थ और फर्मेंटेड फूड जो कि हम सालों से मतलब हजारों सालों से खाते आ रहे हैं दैट इज चावल और दाल का बैटर <coughs> अब चावल और दाल के बैटर को हमने 16, 16, 18, 18 घंटे फॉर्मेंट करना है उससे पहले नहीं जब तक तो वो बबल्स और जब तक वो पुट पुट करके और जब तक वो इस लेवल पे ना आ जाए ना कि जब वो बैटर निकालें और एक बाउल ऑफ पानी में डालें और वो तैर रहा हो तो, तो दिस इज द टाइम दैट इज फर्मेंटेड बैटर गुड फॉर योर गट ठंडियों में ज़्यादा टाइम लगेगा गर्मियों में जल्दी हो जाएगा अब इस फर्मेंटेड से क्या बनाना है इडली बना लो डोसा बना लो उत्तपम बना लो अपम बना लो ये सारी चीज़ें आपके लिए पैनकेक्स नॉर्मल पैनकेक्स बना लो उसके ऊपर सब्जियाँ या जो भी आपको जो भी तो दैट इज फर्मेंटेड फूड फॉर इंडिया दैट इज़ फॉर्मेंटेड फूड फॉर इंडिया डोंट गो फॉर यूट्यूब रेसिपीज प्लीज़ मत खाइएगा वो सब जस्ट गो फॉर फर्मेंटेड फूड ऑफ इंडिया दैट इज दाल चावल का बैटर कांजी दही मठा दिस इज फॉर इंडियन दट्स एंड अमेजिंग कोई मेहनत नहीं है बैटर बना लिया मेरे लिए तो बहुत आसान है बैटर बना लिया लेडीज दैट्स अ टिप फॉर यू बैटर बना लिया एक बार फॉर्मेंट कर लिया और फ्रिज में दबा दिया जब चाहो निकालो बना दो भाई कोई भी गेस्ट आया बना दो भाई क्या है कुछ भी नहीं है इट्स वेरी इजी एंड गुड फॉर हेल्थ इवन रेगुलर कैन बी ईट रेगुलर रोज एक फर्मेंटेड फूड का नाश्ता रोज एक पैनकेक दही के साथ पराठा मट्ठे के साथ पराठा इट्स गुड खाओ ना पराठे लेकिन मट्ठे का ग्लास पी लोगे तो देखो वो पराठे कैसे पचते हैं तो दिस इज वॉट फर्मेंटेड फूड डू फॉर योर गट आपको हेल्प करते हैं आपके फूड को जल्दी पचाने में न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक करने में दाल चावल के साथ एक चम्मच पिकल खा लिया हैवी फूड खाया लेकिन एक चम्मच पिकल साथ में ले लिया सैलड ले लिया दैट गिव्स यू फाइबर दैट गिव्स यू प्रोबायोटिक्स सो दैट इज गुड फॉर योर गट दैट इज वॉट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू येस दे आर रिच इन बी ट्वेल्व ऑल्सो लेकिन मैं वाइटमिन मिनरल्स बी ट्वेल्व सी वन ये सब तो मैं जानती ही नहीं हूँ <laughs> मतलब मुझे लगता है वाई नॉट अ लेमैन नहीं जानता कुछ बस लेकिन इतना जानता है क्या अच्छा है मेरे गट के लिए क्या बुरा है इट गो क्यों हम लाइक तो प्रोबायोटिक्स हो गए फूड रिच इन पॉलीफेनॉल्स पॉलिफिन क्या होते हैं कि जैसे वो डार्क चॉकलेट हो गया uh, मेरे लिए बहुत खुश खबरी थी जब मैंने ये पढ़ा है पोलिफिन में टी भी आती है आराम हार्ड हार्ड को फैन ऑफ अ टी तो टी भी देती है कॉफी भी देती है डार्क चॉकलेट भी देता है तो ये सब तो अमेजिंग चीज़ें हो गई बट इन लिमिट हमने बोला चाय अच्छी तो है तो छः सात कप चाय नहीं अच्छी है जस्ट हैव अ कप ऑफ टी अ ग्रीन टी अ कप ऑफ कॉफी इज इनफ फॉर द फॉर द डे डार्क चॉकलेट अ पीस ऑफ डार्क चॉकलेट बिफोर स्लीपिंग आफ्टर दैट ब्रशिंग तो दिस इज गुड फॉर योर गट सो हाई फाइबर्स में अब मैंने आवाकाडो लिखा है प्लीज मुझे ब्लेम मत करना वो महंगा मिलेगा तो आई एम नॉट इन टू इट बस लिखा है मैंने आवाकाडो खा सकते हो आप लोग कैरेट्स खिनवा ओट्स ये सारी चीजें यू आर गुड फॉर योर गट यू कैन हैव दैट सो दिस इज वॉट आई एम सजेस्टिंग यू फॉर योर गट वेरी सिंपल अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने बहुत छोटा सा एक लिस्ट बनाया है जैसे फॉर एग्जाम्पल एक दिन में एक बार तो एटलीस्ट एक, एक खाना ये होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल खिचड़ी दही के साथ कोई भी फर्मेंटेड फूड डोसा इडली एनी पनीर की सब्जी हमने घर पे जो फाड़ा है वो पनीर दही जो हमने घर पे जमाई है ये सब मैं चीजें जो बोल रही हूँ बाजार से लाने और हाँ डोसा बैटर डेफिनेटली बाहर से मत लाना उसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको कोई बेनिफिट नहीं है उसमें घट को लेके

क्या बात है थोड़ा सा प्याज डाल दिया सेव तो धर्म है हमारा वो तो हम खाएंगे ही और बस खा लिया तो दैट इज द बेस्ट थिंग फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग फॉर वी इंदौरी प्राउड टू बी एन इंदौरी नाउ सो दिस इज इट अगर आपको दिन की शुरुआत करनी है वाई नॉट विद पोहा छोटी सी चीज मैं आपको बताऊंगी मैंने सिर्फ पांच चीजें ऐसी बनाई हैं जस्ट फाइव थिंग्स दैट विल मेक योर लाइफ ईजी और कर लोगे रोज आराम से कर लोगे कोई टेंशन नहीं है उसको करने में पांच चीजें पहला अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट योर डे विथ हनी एंड लेमन इन यू कोम वाटर आप इसको करके देखो बहुत से लोग करते होंगे आई डोंट नो बट आई फील कि जब भी वो पिया है डे गोज वेरी एनर्जेटिक वेरी एनर्जेटिक बहुत मजा आ रहा होता है पता नहीं क्यों लेकिन मस्ती आ रही होती है अच्छा लगता है ट्राई दिस फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग सेकेंड इज बनाना ही है अगर आज आज आपका बच्चा दही नहीं खाता है प्लीज उसको आदत डालो बिकॉज आपकी ब्लेसिंग्स काम नहीं करेंगी शायद लेकिन ये बटर मिल्क और कर्ड काम करेगा जिंदगी भर उसके लिए तो गिव दिस ब्लेसिंग टू योर सन मत प्यार दो थोड़ा सा दो थप्पड़ मारो बट ये खाना पड़ेगा बिकॉज आपको ये पता है कि आपके बच्चे के लिए जिंदगी भर के लिए ये अच्छा है आदत डाल दो आज से दही नहीं अच्छा लगता बदबू आता है बटर मिल्क कैसे पीऊं, ऐसा वैसा बुला बुला सुनना नहीं है इसको आदत डालना है थर्ड आय रिटर्न इज पिकल घर का बनाया हुआ अचार वन टी स्पून डेली विथ एनी मील ऑफ योर्स शुड बी गोइंग इन टू योर फूड शुड बी गोइंग इन टू योर गट आज ही जमा देना आम चल रहे हैं कच्चे आम सस्ते पड़े हैं पेड़ों से गिर रहे हैं बोल रहे हैं बना लो अचार लेकिन हम लोग बना नहीं रहे तो प्लीज बोलो भगवान एक आंधी और कच्चे आम गिराओ ताकि हम आम के अचार डालें तो गो फॉर इट सस्ता है कोई प्रॉब्लम नहीं है वज्रासन आफ्टर एवरी मील थ्री टू फाइव मिनट्स कुछ नहीं जा रहा मोबाइल यूज कर सकते हो उस समय और एक बढ़िया मोबाइल यूज करो ताकि वो मोबाइल की वजह से आप दस मिनट बैठो पता ही नहीं पड़ेगा दैट्स मच बेटर यहां आएगी मोबाइल काम तो लेट्स हैव दैट और लास्ट मैंने लिखी है टू फास्टिंग एक साइकिल है हमारा हम इंडियंस हैं हर कुछ जानते हैं वी आर गुरुज हमारे यहाँ एकादशी का व्रत चलता है क्यों रखते हैं हम एकादशी का व्रत ऐसा क्या है एकादशी में जिस दिन हम फास्ट रखेंगे और ज्यादा फायदा होगा हम कभी भी फास्ट रख सकते हैं आई एम टेलिंग यू कभी भी फास्ट इज गुड बट वाई एकादशी दैट इज फोर डेज बिफोर फुल मून एंड फोर डेज बिफोर न्यू मून वाई दैट इज साइकिल दैट इज लूनर साइकिल जो कि हम पे काम करती है डेफिनेटली लेडीज पे तो ज़्यादा काम रेक्टली विथ द लूनो साइकिल डायरेक्टली इफ यू आई एम से वी आर वेरी मच रिलेटेड हा मेल्स को भी उतना ही फायदा मिलेगा लेकिन एकादशी का व्रत रखना मुझे ऐसा लगता है कि महीने में एक बार एक व्रत इज गुड क्यों क्योंकि हमारा गढ़ जो है लगातार काम कर रहा होता है मशीन की तरह काम कर रहा होता है थक जाता है तो लेट्स गिव इट अ ब्रेक एनी फास्टिंग फास्टिंग का मतलब होता है कि हम नाम नहीं देते लेट्स डोंट गिव एनी रिलीजन और एनी जेन मतलब एनी थिंग डोंट ईट एनी टाइप्स भाई एकादशी का व्रत क्या होता है सुबह उठो अच्छे से नहाओ दो थोड़ा सा भगवान को देख लो और दिन भर कुछ मत खा, और सनसेट से पहले लेट्स डू दिस कि सनसेट से पहले जब अग्नि जल रही होती है सन होता है तब एक हल्का सा मील ले लिया इट कैन बी अ फ्रूट डाइट इट कैन बी अ लाइट मील आपका प्रोबायोटिक वाला फर्मेंटेड वाला लाइट फूड पेट भरने के लिए नहीं जस्ट हैविंग अ मील अ डे दैट इज फास्टिंग अपने आप को भूखा नहीं मारना बट एकादशी का व्रत हम इसी तरह से रखते हैं हैविंग अ मील अ डे लाइट फूड नहीं खाएं तो और भी अच्छा है फ्रूट्स खाएं तो और भी अच्छा है एनी थिंग लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लेट्स सेट अ कैलेंडर हमारे गूगल में सबके पास कैलेंडर है एकादशी सब में आती है बहुत अच्छे से गूगल हमें दिखा रहा होता है लेट्स सेट एन अलार्म फॉर एकादशी एंड लेट्स फास्ट तो ये बहुत ही सिंपल पांच चीजें मैंने आप लोगों को बताई जो कि बहुत ही ईजिली आप साध सकते हो और अपनी गट को हेल्दी रख सकते हो प्लीज डोंट गो एंड गो फॉर गूगल एंड यूट्यूब प्लीज़ पाँच चीज़ें कर लो मोर देन एनअ फोर योर गट फोर योर गुड गट और अभी से एनी एज यू आर इन जितना बच्चा होगा उतना अच्छा होगा ठीक है तो मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए बनाई थी मैंने एक, एक स्पाइसिस का पाउडर होता है या आ, क्या बोल सकते हैं उसको एक छोटी सी रेसिपी आ, मैंने बनाई थी कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी कुछ चीज़ें मुखवास जानते हैं आप लोग आफ्टर फूड वी हैव मुखवास मैंने सोचा कि एक छोटा सा मुखवास की रेसिपी आपको दूंगी इक्वल अमाउंट ऑफ सौफ अजवाइन एंड जीरा सौफ अजवाइन जीरा इक्वल अमाउंट इनको भूनना है लाइट रोस्ट करना है उसको हल्का सा मतलब बहुत ही लाइट सा ऑलिव ऑयल और एक्स्ट्रा वजन ऑलिव ऑयल में कोट करना है अब हम कोट क्यों कर रहे हैं कोट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब हम इसमें डालेंगे ब्लैक सॉल्ट और पिंक सॉल्ट थोड़ा सा ब्लैक पेपर थोड़ा सा हींग सोटे किया थोड़े से सीड डाल दिया और अगर आप चाहें तो इसमें कुछ वॉलट्स भी डाल सकते हैं चाहें और अगर आपका टेस्ट बट कुछ मीठा चाहता है कुछ मीठा चाहता है तो इसमें हम खाण या गुड़ भी डाल सकते हैं तो दिस इज वॉट आई वॉन्ट कि अगर आप लोग इसको बना के रख देते हैं ऑन योर डाइनिंग टेबल हैव योर फूड एंड एक पिंच उठाया और अपने मुंह में डाल दिया ये अमृत की तरह काम करेगा कुछ मत करो वो पांच चीजें भी मत करो लेकिन अगर आपने डिनर के बाद लंच के बाद ये दो चुटकी अपने मुंह में डाल दिया और चबा के इसको पेट में जाने दिया मोर देन एनफ सारी पढ़ाइया एक तरफ और ये डब्बा एक तो दिस इज इट दिस इज वॉट आई एम हियर टू हेल्प यू गिविंग यू द नॉलेज कि एज अ लेमैन एज अ नॉर्मल सिंपल ह्यूमन बींग वॉट आई कैन डू फॉर गट शेफ हूँ तो थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को कुछ रेसिपीज बता दी मैंने और कुछ बता दिया तो दैट इज मी ऑल टूगेदर फॉर गट हेल्थ कुछ चीज़ें मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई हैं इफ़ यू वॉन्ट टू हैव कल मैंने देखी मैंने क्या बनाया है कुछ गट हेल्थ के लिए तो हाँ कुछ चीज़ें निकली तो आई जस्ट लिस्टेड इट इन माई दिस यू कैन गो थ्रू दैट एंड यू कैन हैव अभी मैंने लेटेस्ट एक रेलिश बनाया दैट इज़ बीट रूट रेलिश वो भी आप बिल्कुल हैव दैट अ चम्मच नो प्रॉब्लम मैं डाल दूंगी लेट्स मेक इट इन टू और थ्री डेज क्योंकि अभी शिफ्टिंग चल रही है तो आई एम नॉट हैविंग माई किचन येट तो मैं ज़रूर से ये मुखवास वाली रेसिपी आप लोगों के लिए डालूंगी और तवलीद में डाल दूंगी सर ताकि ये लिंक सबको मिल जाए डिंट ओपिनियन डिफरेंट रिसर्चेस नहीं मुझे एक बात बताइए मै आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर की हम गुरु है सबके आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ दिस मुझे एक बात बताइए डायबिटीज क्या इंडिया में पहले कभी थी नहीं आई कहां से ये डायबिटीज का फंडा कहां से आया दिस इज ऑल वेस्टर्न कल्चर और ये ग्लूटन कहां से आया हम गेहूं का आटा आज इतना पिसवा के पैकेट वाला खाते हैं जबकि मुझे अच्छे से याद है कि पापा खुद पिसवाने जाते थे और एक्स्ट्रा चोकर डलवा के आते थे उसमें फाइबर्स जितना ज़्यादा रिफाइन करेंगे आप दैट विल गो टू मैदा बीट विल गो टू मैदा दैट इज़ ग्लूटिन एंड ग्लूटिन कन्वर्टन टू शुगर लेकिन जैसे सर ने बोला कोई प्रूव नहीं है कि हमारे इंटेस्टाइन में कहीं मैदा है जैसे मैंने आपको बोला हम केक अगर वही केक घर में बना रहे हैं मैदे से बना रहे हैं शुगर से बना रहे हैं बटर से बना रहे हैं वो कहीं नुकसान नहीं कर रहा लेकिन आप बाहर के प्रिजर्व चीज़ों को खा रहे हैं तो वो नुकसान कर रहा है तो ये ग्लूटेन कहां से आया और ये इंटॉलरेंस कहां से आया ये जस्ट आप सोच के देखिए आया कहाँ से दिस इज जस्ट डायबिटीज तो हमारी खुद की बनाई हुई डिजीज uh, है क्योंकि हमें इंसुलिन बेचना है उसके लिए। दिस इज वॉट आई एम सींग गट इज द सेकेंड ब्रेन दैट द बॉस बॉस बैठा है यहां पे उसकी मानते हैं लेट्स ओबे हिम मुझे कहीं पे भी आप खा आप एक काम करो आप एक हफ्ता सिर्फ मैदे की रोटी खाओ सिर्फ मैदा हम्म नो जजमेंट्स अबाउट फूड एग्जैक्टली एग्जैक्टली यही मैंने I mean, आपको बताया I mean, जो एग्जैक्टली exactly. you know, मैं मैं आई 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 यू फिफ्टी सिक्सटी पीपल लेकिन एटलीस्ट ये पचास साठ लोग तो जान जाएं कि करना क्या है गट को लेके क्यों सोचे इतना जिसके बारे में कभी सोचा ही नहीं डॉक्टर साहब हमने और हम अब बैठ के गट गट करे जा रहे हैं तो दिस इज नॉट गट वी शुड नॉट बी डूइंग दिस इससे अच्छा तो हम भगवान का नाम ले लें जी की जी देखिए मैं आपको बताऊं आप मैदे की रोटी खाइए सब्जियां आपने खाई फाइबर आपने खाया फल आपने खाया जो भी मैंने टिप्स इसमें बताया वो सब किए कुछ नुकसान नहीं करेगा मैदा आपको वो भी पचेगा आपका गट हेल्दी रखेगा कुछ नुकसान नहीं कर रहा आपको <coughs> वही बोल रही बाहर मैंने बोला ना बाहर देख लास्ट टाइम क्या आप सोर्स ग्रुप में है वुमेन सिविंग ग्रुप में

एंड आई सिंगक मुखवास एंडली आई एम श्योर कि हम लोग सब आम की सुनने वाले हैंट यू हैव टू लिव विदेम और वर्क विद स्प्रिंकल हनी ऑफ कंपैशन एक्से जीवन में खट्टे लोगों से बचे लेकिन अगर आपको उनके साथ रहना पड़े या काम करना पड़े तो उन पर करुणा स्वीकृति और श्रमा का शहर छिड़के वैसे ही जैसे खट्टे आमों पर हम शहद या चीनी छिड़कते हैं सिमिलर में में जैसे मैंने लास्ट में लेमनलाइक लेमनलाइक बोला है हमें दूसरी तरह से मैं एडवाइज दूंगी सर बट ये फर्स्ट स्टेप ऑल आई एम थैंकफुल टू लता जी और एक्सेप्टिंग अवरिच्वेस्टमेंट एंड नाउ शी इज पार्ट ऑफ दिस फाउंडेशन एंड वी आर होनर्ड हैविंग हर इन फाउंडेशन